हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप यू आर ऑल गुड। तो अभी हम हैं गाड़ी में और मेरे साथ अनदर देन इशान भाई। इनको तारुफ की ज़रूरत नहीं है बिकॉज मोस्टली मेरे वीडियोस में यही होते हैं। तो आज है 17th November, यानी कि मिड नवंबर। और नवंबर की खास बात कश्मीर में ये है कि ऑटम जो होता है ना, ये बिल्कुल पीक पे होता है और सर्दियाँ शुरू होने वाली होती हैं। तो इसमें एक अच्छा साइड भी है, एक और बुरा साइड भी है। अच्छा साइड ये है कि ऑटम को सबसे अच्छी तरह से कैप्चर करने के लिए ये मंथ बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत ही ख़ास होता है। और प्रॉब्लम ये है कि इसमें सर्दी होती है तो इंसान का मन नहीं करता बाहर जाने का, और यू फील रियली लेज़ी एंड कोज़ी, घर में बैठे में ज़्यादा मज़ा आता है। बट कुछ दिन पहले मैं एक जगह पे गया था, वहाँ पे बहुत ही अच्छी सीनरी थी और वहाँ पे चिनार के ट्रीज़ वगैरह भी थे। तो मैंने सोचा कि आज इस्लाम भाई के साथ वहीं चलते हैं और उसके बाद देखते हैं, अगर टाइम मिला तो किसी और जगह पे भी जाएंगे। तो आज मेरा प्लान ये है कि आज मैं एक बहुत ही अच्छी तरह से पूरे ऑटम को कैप्चर करने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि कश्मीर में ऑटम का मौसम एक्चुअली कैसा होता है और कैसी वाइब्स मिलती हैं। सो इट्स अ रियली ब्यूटीफुल सीज़न, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। सो द प्लेस आप मेरे पीछे से देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पे। ये मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, बट मुझे पता नहीं क्यों मैं यहाँ पे पहले नहीं आया था। सो यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल दिस इज। कितने ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे हैं, बट यहाँ से नीचे से भी देखते हैं कि कैसा है नज़ारे हैं यहाँ से। तो अभी हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं। ये नज़ारे आपको बस ऑटम में देखने के लिए मिलते हैं, बाकी किसी भी सीज़न में अगर आप आए उनकी भी अपनी एक खूबसूरती है, बट दिस कलर टोन एंड दिस वाइब इज़ ओनली इन ऑटम। बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे आपने देख लिए हैं और आपको पता चल ही गया होगा कि ऑटम की वाइब कैसी होती है कश्मीर में, ठीक है। तो अभी हमें इजलान की मासी के घर जाना है, तो अभी हम यहाँ से चलते हैं और चलते हैं इजलान की मासी के घर। तो चलिए जी, फिलहाल हम यहाँ से चलते हैं। और आज विंटर्स के मौसम में जो ये दिन होते हैं ना, बड़े छोटे होते हैं। अभी 5 बजे होंगे आई गेस, तो सूरज डूबने लगा है और ये है हमारी राम प्यारी। तो चलिए जी, चलते हैं इजलान के मासी के घर। जैसे ही शाम होने लगती है ना, हर तरफ कोहरा फैलने लगता है। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लीजिए।
आई डोंट नो आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि नहीं, बट आप दूर पे नज़र अगर डालेंगे तो आपको लगेगा कि धुआं धुआं सा है, बट एक्चुअली ये धुआं नहीं है, दिस इज़ फॉग। और विंटर्स में अक्सर फॉग रहती है कश्मीर में, और अभी जो ऑटम का मौसम है ना तो इसमें काफ़ी पत्ते भी झड़ते हैं, तो लोग इन पत्तों को जलाते भी हैं, तो उस वजह से काफ़ी धुआं भी हो जाता है फॉग के साथ साथ। तो यहाँ से हमें रास्ता उल्टा हो गया था, हमें यहाँ नीचे से जाना था बट हम ऊपर से चले गए थे, अब हमने वापस चेंज कर लिया है, हम अब नीचे से जा रहे हैं। ऐसे ज़्यादा आते नहीं है तो पूरा रोड्स का पता नहीं है उतना ज़्यादा। अभी हम हैं एक बड़े ही खूबसूरत ब्रिज के पास, as you can see, आई थिंक इसको द्रेगाम बोलते हैं, ठीक है। सो बड़ा ही खूबसूरत ब्रिज है, यहाँ से चेक दिस आउट। अभी हम हैं बांडरपुरा में, और यहाँ से आप देख सकते हैं बड़े खुले खेत हैं यहाँ पे, और वह हमारा आग का गोला। अभी यहाँ से हमें जाना है पालपुरा, जहाँ पे इस्लाम भाई की मासी रहती है, तो अभी हम वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। 5-6 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हम पहुँचने लगे हैं इस्लाम की मासी के घर। एज यू कैन सी सामने ये गेट है, यहाँ से हम अंदर जाएंगे, फिर अंदर देखते हैं क्या सीन्स रहते हैं। इनके आंगन में बड़ा ही खूबसूरत सा चिनार का पेड़ है, इट्स रियली ऑसम। हाँ जी, तो इस्लाम की मासी के घर से हम निकल चुके हैं, और एज यू कैन सी अभी बड़ा अंधेरा हो चुका है। मैंने गाड़ी की लाइट ऑन की है, तो इससे मैं थोड़ा बहुत नज़र आ रहा हूँ। तो इस्लाम की मासी के घर हमने चाय वाय पी और मज़ा आ गया। इन सर्दी की रातों में आपको एक गर्म चाय का कप मिल जाए तो क्या ही बात हो जाती है। तो फिलहाल अभी हम चल रहे हैं वापस घर की तरफ, और आई रियली रियली होप कि आपको वीडियो पसंद आ गई हो, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन यू नो व्हाट टू डू, गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो आज के व्लॉग में इतना ही, हम मिलते हैं कभी और, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।